अस्सलामुअलैकुम। कोर्ट रूम में आज कोर्ट के अंदर जज साहब ने ह्यूमैनिटी की बेसिस के ऊपर बच्ची से कोर्ट रूम में जो रूम होता है कोर्ट में उधर बच्ची से मेरी मुलाकात कराई, मेरी और मेरी वाइफ की यानी बच्ची के माँ बाप से बच्ची की मुलाकात कराई। वहां पर बच्ची मेरे गले लग के रोई, उसने जो है मैंने उसे जब प्यार से सारा उसके ऊपर जो अंडर प्रेशर वो अंडर प्रेशर स्टेटमेंट्स देती रही थी, मैंने उसे प्यार से बात की, प्यार से सीने से लग के मेरे रोई। उसके बाद उसने मैंने उसे कहा कि जज साहब के सामने चल के बेटा स्टेटमेंट दे दो कि मैं अपने घर वालों के साथ जाना चाह रही हूँ। उसने कहा ठीक है। इतनी देर में पुलिस वहां खड़ी थी सामने, वो देख रही थी लेडी पुलिस वाली, और उतनी में देर में पुलिस वाले आए हैं। उन्होंने कहा जनाब आपका टाइम पूरा हो गया, बस इतना ही था, अभी मैं 5-7 मिनट का टोटल टाइम मुलाकात हुई थी। इन्होंने जूं ही सेस किया कि ये बच्ची रजामंद हो गई है, ये तो घर चली जाएगी। तो साथ ही पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने आकर जो है वो बच्ची का बाजू पकड़ा और खींचते हुए, वही सफेद सलवार कमीज वाला आदमी मूंछों वाला, उसने मेरी बच्ची का हाथ पकड़ा। मैंने उसे कहा तू किस रिश्ते से बच्ची का हाथ पकड़ रहा है और तू कौन होता है? कहता है मैं बच्ची का बाप हूं। मैंने कहा बच्ची का बाप मैं हूं, तू नहीं है। खैर वो खींचते हुए बच्ची को ले गए। मैं बोलता रहा वहां पे, बच्ची जज के आगे स्टेटमेंट देना चाह रही है, जी बच्ची को जज साहब के सामने लेके जाया जाए। उन्होंने कहा जी कोई स्टेटमेंट नहीं, बच्ची की स्टेटमेंट होगी, बस हम जा रहे हैं इसे लेकर। मैं दौड़ता हुआ, मैं और मेरे वकील साहब दौड़ते हुए जज साहब के पास गए। हमने जाके जज साहब से रिक्वेस्ट किया कि जज साहब बच्ची स्टेटमेंट देना चाह रही है, बच्ची घर जाना चाह रही है। जज साहब ने कहा जी कोई स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट हो गई, बस खत्म, स्टेटमेंट हो गई। बार बार स्टेटमेंट, रोज रोज स्टेटमेंट नहीं होती। मेरा सवाल है जी, बच्ची उस दिन अंडर प्रेशर थी, उसने जो बोला डरपोक में बोला, आज वो बोल रही है मैं अपने माँ बाप के घर जाना चाह रही हूँ, उनके साथ जाना चाह रही हूँ, मेरी बात ही कोई नहीं सुन रहा। ये कौन सा जुल्म है भाई, कौन सा मुल्क में मैं बैठा हुआ हूँ? एजेंसियों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी डीजी रेंजर से रिक्वेस्ट है, मेरी आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट है, मेरी बात सुनी जाए, मेरी बच्ची को बचाया जाए, वो घर जाना चाह रही है मेरे साथ, मेरे साथ उसे भेजा जाए, प्लीज मेरी मदद की जाए।